झांक कर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिलमपुर में, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो है लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा। अब ये जगह बहुत ही ऐतिहासिक बन चुका है, क्योंकि इस बार जो है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो है शीला दीक्षित का यहाँ से नाम का ऐलान किया गया है उम्मीदवार के लिए, और दूसरी तरफ मनोज तिवारी जो कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष है वो यहाँ पर जो है मतलब के सिटिंग एमपी है। तो अब ये जो है इलाका जो है एक तरह से जो है घनी आबादी वाला इलाका है, जहाँ पे 20-25% जो है माइनॉरिटीज़ के वोट है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्शन 2019 का लोकसभा का जो इलेक्शन हो चुका है वो बड़ा ही मतलब के रोमांचक हो चुका है। दोनों तरफ एक शीला दीक्षित जो पिछले 15 सालों तक जो है दिल्ली की जो है मुख्यमंत्री रही है, और साथ ही साथ जो है इस बार कांग्रेस के जो है इज्जत का मतलब के ऊपर एक तरह से समझिए कि इज्जत वाली बात आ गई कि शीला दीक्षित को उतारा गया, कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा जरूर होगा। वैसे मैं आपको एक डाटा पहले आपको शेयर करना चाहूंगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि 2014 का जो लोकसभा का जो चुनाव था उस पे वोट प्रतिशत क्या थे और क्या बताते हैं मतलब के डाटा। 2014 का जो यहां पे लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वहां पे मनोज तिवारी को लगभग 5,96,000 वोट, दूसरी तरफ आनंद कुमार, तीसरी तरफ कांग्रेस के जय प्रकाश अग्रवाल रहे थे। इस बार जो है आम आदमी पार्टी ने दिलीप पांडे को दिया है, तो चूंकि आम आदमी पार्टी का ये इलाका काफ़ी वोट के हिसाब से बहुत ही मतलब के अहम होता जा रहा है, तो यहाँ पे जो है मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए जानेंगे कि इस बार जो है लोकसभा का चुनाव जो है सीलमपुर में जो हो रहा है मतलब के जो क्षेत्र है वो यहाँ के लोगों के एक्सपेक्टेशन क्या है, शीला दीक्षित, मनोज तिवारी या दिलीप पांडे को लेकर यहाँ पर लोगों क्या रहा है, वो किसको देखना चाहते हैं। तो सर पहले हमारे साथ है, आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान साहब, क्या इस बार जो है शीला दीक्षित, मनोज तिवारी और दिलीप पांडे तीनों एक तरह से जो है मतलब कि एक बड़ा चेहरा हो गया, और साथ ही साथ जो है शीला दीक्षित को जो है चूंकि 15 साल उनको अनुभव है दिल्ली को चलाने का, तो इस बार जो है क्या है माहौल है यहाँ पर, और आपके हिसाब से इस बार जो है यहाँ के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है? शीला दीक्षित। क्यों शीला दीक्षित ही क्यों? उसके अथॉरिटी में गरीबों को रोजगार भी मिला, गरीब इतने परेशान नहीं रहे, इसके इसमें गरीब तो बेघर हो गए। तो मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के जो मतलब अध्यक्ष है, तो एक तरह से बहुत बड़ा उनका जो है बेल्ट है, और चूंकि यहाँ पर उत्तरांचल पूर्वांचल के काफ़ी सारे लोग हैं, तो उनके उस हिसाब से मनोज तिवारी क्यों नहीं है मतलब कि इस बार जो है मनोज तिवारी वाकई में जो है बहुत ज़्यादा वोट से 2014 में कामयाब हुए, तो इस बार क्या लग रहा है? तो 5 साल में ये गरीबों को कितना ये दिया, फैसिलिटी कितना दिया, अगर दिया होगा तो मनोज तिवारी आएंगे। अच्छा ये बताइए कि इस बार जो इलेक्शन है राहुल गांधी और मोदी जी, तो इन दोनों में जो है आप जो है ये इलेक्शन मनोज तिवारी को देखकर इस इलाके के लोग देखते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ के लोगों के अंदर उत्साह है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेके मनोज तिवारी से क्या है, जो सेंट्रल में उसको देख के ये कर रहे हैं। अच्छा हमारे साथ हमारे और भाई, तो अब ये बताइए कि इस बार जो है शीला दीक्षित है, मनोज तिवारी है, दिलीप पांडे है, तो आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार? मोदी जी मनोज तिवारी। अच्छा मनोज तिवारी, तो मनोज तिवारी जो इस बार शीला दीक्षित आई है, शीला दीक्षित जो है 15 साल तक उन्होंने शासन किया है यहाँ मतलब दिल्ली के, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि उनके राज कार्यकाल में बहुत ज़्यादा काम हुए, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि शीला दीक्षित उनको इस बार जो है बहुत टक्कर वाला या फाइट देने मतलब देंगी जी? शीला दीक्षित क्या लग रहा है, शीला दीक्षित से किस तरह का फाइट? देखो उनका भी काम बढ़िया रहा वोटिंग में, शीला दीक्षित बढ़िया काम गया, लेकिन ज़्यादातर जो है ये काम जो अच्छा गया इनका मनोज तिवारी के जाएगा। हमारे साथ हमारे एक और भाई है, पहले तो ये बताइए आप अपना नाम। अब्दुल। अब्दुल ये बताइए कि इस बार जो है आप इसी क्षेत्र से मेरे हिसाब से आते होंगे, तो सीलमपुर का जो ये क्षेत्र हो गया जो कि मतलब नॉर्थ ईस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, तो शीला दीक्षित वो भी दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष है, मनोज तिवारी बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष है, साथ ही साथ दिल्ली मतलब दिलीप पांडे को आम आदमी पार्टी के, तो ये बेल्ट एक तरह से जो है आम आदमी पार्टी का भी माना जाता है, तो शीला दीक्षित के आने से आप लोगों का किस तरह का उत्साह है, वोट को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? भैया सबसे पहले तो 2014 में है ना, मैंने भी बहुत शीला दीक्षित के पोस्टर फाड़े हैं, क्योंकि गुंडा बनाया गया था करप्शन का, घोटाले का, तो हम लोग उस पर आए थे। अगर 5 साल के अंदर उसको कोई नहीं उसको ये करा गया है, सज़ा नहीं मिला है, कोर्ट से कोई ये नहीं हुआ है, तो उसका मतलब वो निर्दोष थी, तो इसलिए हमें वो दिख रही शीला दीक्षित का काम बेहतर था, हम उसको घोटाले पे नहीं जा रहे। अब घोटाला जब कोर्ट ने नहीं जाके लिए करा तो हम घोटाले को मान नहीं रहे, इसलिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं शीला दीक्षित से, हम उनके साथ। अच्छा तो शीला दीक्षित को ही आप लोग वोट कर रहे हैं? जी जी।
अच्छा दिलीप, अच्छा एक भाई हमारे साथ और है, बहुत जोश के साथ देख रहे हैं और इन पर बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कि क्या लग रहा है शीला दीक्षित को लेकर, क्या उत्साह है? हाँ बात करेंगे उनसे। 100% किसको? शीला, शीला दीक्षित मनोज तिवारी। तेल लगाने गया तेल लगा, आपका सांसद ऐसे उपशब्द नहीं इस्तेमाल कीजिए। वैसे एक बात है कि मनोज तिवारी का यहाँ पर काफी बेल्ट है, वो एक तरह से भोजपुरी के स्टार भी है, तो क्या ले देखने को लोग जनता जानेंगे? और भी हमारे साथ कुछ हमारे चचा जी, ये बताइए कि मनोज तिवारी, शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे है, तो इस बार आपका वोट किस तरफ होगा? भाई जो अच्छा काम करे उसको वोट देना चाहिए। मनोज तिवारी का कार्यकाल कैसा रहा? मनोज का भी अच्छा रहा, शीला का भी अच्छा रहा, अपनी अपनी जगह सभी अच्छे हैं और सभी गलत हैं। तो आप किसको वोट देंगे? सबको तो वोट दे नहीं सकते आप। नहीं, मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। अच्छा, मोदी जी के काम से प्रभावित है या मनोज तिवारी के काम से? मुझे मोदी जी से मतलब नहीं है, मुझे केवल पार्टी से मतलब है। अच्छा जी, तो मनोज तिवारी नहीं। अरे देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सियासी तौर पर मुझे लगता है कि बहुत उत्साह रखते हैं, उनको लगता है कि मतलब कि इस बार जो है शीला दीक्षित को लेकर बहुत सारे लोग, मनोज तिवारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा बेल्ट है, चूंकि आम आदमी पार्टी ने लगभग जो है 2014 के इलेक्शन में जो अच्छा खासा वोट जो है मिला था, तो ये जानेंगे कि दिलीप पांडे जो इस बार आम आदमी पार्टी को लेकर, तो उनसे जानेंगे जनता। अच्छा ये बताइए कि आम आदमी पार्टी का क्या रोल है? आम आदमी कुछ नहीं, बीजेपी आएगी हमारी तो बस। क्यों बीजेपी में ऐसा 5 साल में क्या लगा कि मतलब मनोज तिवारी को फिर से ला रहे हैं? बीजेपी आई है, नोटबंदी तो हर साल 5 साल में तो बोला गया था नोटबंदी होनी चाहिए, बीजेपी ने करा, उसने करा, राहुल गांधी ने नहीं करा। तो नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ, ब्लैक मनी बाहर निकली। आपको क्या मिला ब्लैक मनी? पहले कुछ नहीं मिला, सरकार को फायदा मिल गया, हमें तो मिला, हम तो बोलेंगे सब उन्हें मिला, सब घर घर में लाइट गई, खेतों में जाके सोचते थे सबके सब बातें कर रहे हो। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे नौजवान है, देखिए बहुत भीड़ लग किया हुआ है, तो यहाँ पे जनता से जानेंगे, और भी लोग हैं हमारे साथ। अरे भाग क्यों रहे, बात कीजिए भाई। अच्छा ये बताइए कि सर जो है शीला दीक्षित, मनोज तिवारी और आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे इस बार यहाँ पे है, तो क्या लग रहा है कि किसको वोट करेंगे आप? जी हमारा वोट तो शीला दीक्षित को ही होगा, क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रखा है, तो इसलिए हमारा वोट तो शीला दीक्षित को ही रहा। मनोज तिवारी एक बड़ा फेस है और शीला दीक्षित, समझिए कि कांटे का टक्कर हो गया, ईंट से ईंट और पत्थर से पत्थर की लड़ाई है। तो हम तो सपोर्ट करने वाले हैं अपनी शीला दीक्षित को ही, बाकी तो गॉड के ऊपर छोड़ते हैं। केजरीवाल के दिलीप पांडे को अच्छा खासा वोट मिला था, तो केजरीवाल को मतलब कि क्यों आप लोग सपोर्ट नहीं करते? केजरीवाल को तो ये आप देख रहे हो भैया, आगे पीछे देखो कितना गंदगी पड़ी हुई है, इसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ये लोग, हम लोग यहाँ रहते हैं, तो इसके लिए भी हम लोग थोड़ा सोचते हैं अपने वोट को क्या देना चाहिए क्या नहीं। और हमारे और भी बहुत सारे लोग आइए इस तरफ बात करना चाह रहे हैं। अच्छा सर ये बताइए आप इसी क्षेत्र के? हाँ इसी क्षेत्र का हूँ। अच्छा ये बताइए मनोज तिवारी यहाँ पे सीटिंग एमपी है, बीजेपी की अध्यक्ष है, दिल्ली अध्यक्ष है, और साथ ही साथ शीला दीक्षित वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष है, दिलीप पांडे को जो है उतारा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो क्या लग रहा है कि किस तरह का रोमांचक तो बन चुका है, मगर किसका वोट जाए, मतलब आपके हिसाब से कौन आपके हिसाब से सही उम्मीदवार? मैं तो इतना जानता हूँ कि ओनली कांग्रेस पार्टी, ओनली शीला दीक्षित। शीला दीक्षित में क्या लग रहा है कि इतना वो जो अनुभव, मतलब 15 साल का कार्यकाल उनका रहा है, उनके पास अनुभव है, तो क्या लग रहा है? गैप जाइए, पास टाइम बैक जाइए और आपको खुद मालूम हो जाएगा कि शीला दीक्षित ने क्या करा क्या नहीं करा। ठीक है, और बट प्रेजेंट टाइम में देखिए मनोज तिवारी क्या कर रहा है। तो मनोज तिवारी तो दिल्ली अध्यक्ष बन गए हैं, वो बहुत उनका फेमस है वो। नहीं ये तो मैं तो सुनो सुनो लिशन ओनली बात नहीं, बात बिहारी की नहीं है, बात तो इंसानियत वाली बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि मोदी की पार्टी ने बीजेपी से, और बीजेपी में साफ खुला कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र चाहता ओनली। अब यहाँ पे सुनो, दिल्ली में तो आम आदमी की नहीं जीतनी, मैं तो कहता हूँ बीजेपी आनी चाहिए इस बार। मेरी बात यह है कि शीला दीक्षित को उतारा गया है और मनोज तिवारी है, दिलीप पांडे है, तो शीला दीक्षित जो है 15 साल से कार्यकाल रहा है, क्या लग रहा है? मनोज तिवारी ने करा क्या है? कांग्रेस पार्टी ने, ये देखो ये फुलक बने हैं, ये सारे पार्ट बने जड़ लगाने में पार्टी ने करा है। कांग्रेस दीक्षित का क्या रोल रहेगा, मतलब शीला दीक्षित को किस तरह से आप लोग उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं? बढ़िया तरीके से देख रहे हैं, और बढ़िया तरीका है भाई साहब, ये दिल्ली के अंदर क्या क्या था पहले, ये गांधीनगर में देख लो, झील में क्या था, बढ़िया झील में क्या था, बीजेपी ने क्या करा है, एक पुल बनाया है, ये बता दो मेरे को। देखो आज तक हमारे देश में जो नेता पैदा हुआ है वो है मोदी, जो हमारा देश बचा के और
मतलब सही तरीके से चला रहा है। आपकी अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, शीला दीक्षित या मनोज तिवारी, 5 साल का मनोज तिवारी का कार्यकाल, आप मनोज तिवारी के काम से खुश हैं? नहीं, हम मनोज तिवारी के काम से खुश हैं। तो शीला दीक्षित को फिर क्या लग रहा है? शीला दीक्षित बहुत भव्य, मतलब के अनुभव है उनके पास, बहुत टक्कर हो गई। देखो अनुभव है, उन्होंने बहुत साल, कितने साल उन्होंने राजनीति करी, क्या क्या काम कर। शीला दीक्षित की सरकार कितनी रही है? आप 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, 15 साल के दौरान उन्होंने क्या नया करके दिखाया? फिर और कुछ लोगों से जानते हैं कि शीला दीक्षित के आने के बाद ये मुकाबला आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में कितना अलग अलग बंट गया है, या शीला दीक्षित या मनोज तिवारी के। तो हमारे साथ एक भाई है, ये बात करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपका उम्मीदवार जो है शीला दीक्षित, मनोज तिवारी या और आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे में, आप उसमें सबसे पसंद किसे करते या किसे चुनना चाहते? बीजेपी। क्यों? बीजेपी, मनोज तिवारी का 5 साल का कार्यकाल आपके हिसाब से कैसा रहा? क्योंकि मेरा भाई यहाँ से खड़ा हुआ है, जीत। अच्छा, तो आप मतलब पॉलिटिकली तौर पर इसीलिए आपके पॉलिटिक्स में, तो आप बीजेपी की सपोर्ट करें, तो ये आपकी अपनी राय है। अच्छा ये बताइए कि आप किसको वोट करेंगे? मैं मोदी को ही वोट करूंगा। तो मोदी तो यहाँ से खड़े नहीं, यहाँ से तो मनोज तिवारी खड़े। मनोज तिवारी को तो वोट देंगे? मनोज तिवारी को नहीं देंगे हम। मनोज तिवारी बीजेपी में, मनोज तिवारी को वोट नहीं देंगे तो मोदी जी को क्या वोट करेंगे? मगर वो बात सही है, मगर यहाँ वो तो बिहार से आए हैं, मगर दिल्ली का है आम पार्टी को हम वोट देंगे फिर तो। हमारे साथ एक हमारे और भाई है। सर ये बताइए कि इस बार जो है लोकसभा का चुनाव जो है आपके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर जो है शीला दीक्षित, मनोज तिवारी, आम आदमी पार्टी, दिलीप पांडे, बड़ा रोमांचक हो चुका है, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके उम्मीदवार कौन होना चाहिए इसमें से? भाई इसमें से शीला दीक्षित आने वाली हैं दिल्ली में, क्योंकि शीला दीक्षित जब आएंगी, जब दिल्ली बनेगी, इस दिल्ली की इतनी हालत खराब हो चुकी है आज के दौर में कि जो बड़े से बड़ा आदमी है वो रोड पे आ चुका है। जब दिल्ली में सब शीला दीक्षित थी, काम ऐसा था, इतना अच्छा काम था कि खाओ और खाने दो, ये काम था दिल्ली में। और जब से ये बीजेपी सरकार आई है, कुत्ते जैसी हालत हो गई है जब से ये बीजेपी सरकार ये सत्ता में आई है। तो आप जो है, आपका ये क्षेत्र है, आप किसको वोट करें, शीला दीक्षित, मनोज तिवारी या राहुल गांधी को देखकर? शीला दीक्षित को हमारा वोट जाएगा और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं उनको शीला दीक्षित का वोट जाएगा। आप बताइए, शीला दीक्षित, मनोज तिवारी और आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे, क्या लग रहा है? यहाँ से तो यह पूरा पक्का वोट पक्का है बीजेपी का। तो मनोज तिवारी और शीला दीक्षित भी बहुत, मतलब के 15 साल में मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की, तो क्या लग रहा है? वो तो पहले रही थी ना, तो अनुभव तो अब थोड़ी ना, पहले रही थी, अब फिर आएंगी सत्ता में। पहले रही थी, फिर से सत्ता में रहेगी। अरे एक मिनट सर, आप ये बताइए, मनोज तिवारी ने कितने काम कराए, कितने काम करवाए? अरे इनकी बातों को मत लीजिए आप। मनोज तिवारी ने कितने काम करवाए? चोर नहीं है। अरे देखिए यहाँ पे बहुत भीड़ है, अलग अलग लोगों से अलग अलग राय हमने ली, और राय लेने के बाद एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो भी लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ यूथ है, वो मोदी जी और साथ ही साथ शीला दीक्षित को लेकर बहुत उत्साह लग रहा था। तो यहाँ पर बातचीत होने के बाद ये समझ में आया है कि इस बार का जो है लोकसभा का चुनाव जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो है वो बहुत कठिन, बहुत रोमांचक हो गया है। तो ये तो उसी दिन पता चलेगा, मतलब कि 12 मई को जब यहाँ पर जो है पोलिंग होगा और 23 मई को जब यहाँ पर रिजल्ट निकला जाएगा, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। और भी हम बड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। आप धाकड़ खबर के साथ जुड़े रहे, शुक्रिया।